बहुत ही शानदार धांसू सवाल है देखते हैं क्या बोल रहे सवाल एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म है जो एक फ्रिक्शन लेस वर्टिकल एक्सल पर माउंटेड है जिसका रेडियस दो मीटर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू हंड्रेड के जी मीटर स्क्वायर इनिशियली एट रेस्ट और उसके एक एज पर पचास किलो का एक आदमी खड़ा है जो कि उसकी पैरी फेरी अलोंग मूव कर रहा है विद स्पीड वन मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू ग्राउंड टाइम टेकन बाय मैन टू कंप्लीट वन सर्कल वन रेवल्यूशन इज समझेंगे सवाल को लेट से ये आपका सर्कुलर प्लेटफॉर्म है एक डिस्क है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है इस एक्सेस के राउंड ही घूमेगी ये जो एक्सेस है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई इज 200 हंड्रेड के जी मीटर स्क्वायर रेडियस इज आर इज टू मीटर और इसके एक एज पर एक पर्सन खड़ा है जिसका मास है फिफ्टी के जी और जो ग्राउंड के फ्रेम में एक साइड चल रहा है विद स्पीड वन मीटर पर सेकेंड ये उसकी वेलोसिटी है पूछा गया है कि ये पर्सन एक चक्कर कितने देर में कंप्लीट कर लेगा जैसे ही आगे मूव करेगा तो आपका प्लैंक सर्कुलर प्लेटफॉर्म पीछे की तरफ मूव करेगा क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं है एंगुलर मोमेंटम जो पहले था वही रहेगा सुना जान से प्लेटफॉर्म और मैन मिलाकर शुरू में रेस्ट में थे इट मींस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज जीरो जैसे ही पर्सन एक डायरेक्शन में चलेगा प्लैंक उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा तो जितना वो आगे की तरफ आगे के मूव करने के कारण जो एंगुलर मोमेंटम बन रहा है पीछे के चलने के कारण भी उतना ही बनेगा और वो कैंसल आउट होंगे कुल मिला के पर्सन आगे चलेगा तो प्लेटफॉर्म पीछे जरूर चलेगा अगर ये पर्सन आगे ऐसे चल रहा है प्लेटफॉर्म ऐसे चल रहा है तो जब ये घूम के उसी पॉइंट पर आएगा तो कितना टाइम लेगा ये सवाल में पूछा गया है तो बेसिकली कैसे होगा बाय कंजर्विंग एंगुलर मोमेंटम शुरुआत में एंगुलर मोमेंटम जीरो है तो बाद में जो पर्सन का जितना रहेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्क का रहना पड़ेगा एंगुलर मोमेंटम की सबसे बेसिक डेफिनेशन होती है आर क्रॉस पी अगर आर और पी परपेंडिकुलर हैं तो ये आर इंटू पी हो जाएगा और पी आपका एम इंटू वी होता है तो एम वी आर विल बी एंगुलर मोमेंटम अब देखें ये जो पर्सन मूव कर रहा है इसका पोजिशन वैक्टर आर ऐसे है वेलोसिटी वेक्टर ऐसे है वी के अलोंग ही पी भी होगा और आर परपेंडिकुलर है तो आप आर पी लिख के ऐसे एम वी आर निकाल सकते हैं तो पर्सन के मूव करने के कारण जो एंगुलर मोमेंटम बना वो बना एम वी आर एंगुलर मोमेंटम का एक फॉर्मूला और होता है एल इक्वल टू आई ओमेगा अब देखें आई गिवन है यहां पे आई ओमेगा करेंगे तो ओमेगा वहां पे रखें आई नीचे ले जाए ओमेगा इज एम वी आर बाय आई एम वी आर में वैल्यूज कर दें आप एम क्या है मास बाय आई एम इज मास ऑफ़ मासन फिफ्टी वेलोसिटी वन रेडियस टू आई दो सो ओमेगा कम्स आउट टू बी वन बाय टू आई थिंक वन बाय टू रेडियन पर सेकंड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पर्सन ऐसे मूव कर रहा है और ये पीछे मूव करेगा उसका ओमेगा आ गया है अगर ओमेगा आ गया है तो पेरीफेरल पॉइंट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आर इंटू ओमेगा आर की वैल्यू कितनी है टू टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आ जाएगा तो पेरीफेरल पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो वन मीटर पर सेकेंड आ गई इसका मतलब ये पर्सन आगे बढ़ेगा और ये पीछे की तरफ मूव करेगी डिस्क या जो प्लेन है सर्कुलर प्लैंक है आपका वन मीटर पर सेकेंड से ही तो जो तो रिलेटिव और एक से ये घूम के खुद भी आ रहा है तो प्लैंक के रिस्पेक्ट में पर्सन की वेलोसिटी विल बी टू मीटर पर सेकेंड तो v रिलेटिव जो है वो आ जाएगी टू मीटर पर सेकेंड डिस्टेंस कितना चलना है टू पाई आर आर कितना है आर इज टू मीटर तो फोर पाई इज डिस्टेंस टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड फोर पाई बाय टू दैट इज टू पाई सेकंड्स टू पाई सेकेंड ये आपका आंसर रहेगा हमने इसमें मेन जो कॉन्सेप्ट लगाया वो क्या लगाया है टोर्क जीरो होने के कारण एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा एंगुलर मोमेंटम के दो फॉर्मूले हैं mv सॉरी uh, r क्रॉस p एंड i ओमेगा दोनों को हमने यूज किया है प्लस रिलेटिव वेलोसिटी का कांसेप्ट भी यहाँ पे आया है और सबसे पहले तो ये सोचना ही इंपॉर्टेंट है कि एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे कंजर्व रहेगा वो कांसेप्ट दिमाग में आएगा तभी आप आगे प्रोसीड कर पाएंगे बहुत ही बढ़िया सवाल है मार्केट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट